जन्नत के फल अहले जन्नत के लिए वाफिल मिकदार में मौजूद होंगे। जन्नत के फलों का जखीरा कभी खत्म नहीं होगा और ये गले सड़ने से महफूज रहेंगे। केला और बेर जन्नत के फल हैं। दाएं बाजू वालों की खुशनसीबी का क्या कहना, वो बेरों और तहबते केलों और दूर तक फैली छाओ और हर दम रवा दवा पानी, कभी खत्म ना होने वाले और भी रोक टो, बाकसरत मिलने वाले फलों में मजे करेंगे। जन्नत में फल सदा बहार और इसका साया लाजवाब होगा। ये इनाम है मुत्तकी लोगों का। जन्नत में जन्नती के लिए मुत्तकल लोग होंगे। जन्नत में जन्नती के लिए मनपसंद फल होंगे। जन्नत के फल हर वक्त जन्नतियों के पहुंच में होंगे। खड़े बैठे चलते फिरते जब चाहे तोड़ सके। जन्नत की छाओ इन पर साया कर रही होगी। जन्नत की खजूर मटके के बराबर होगी, जो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठी और मक्खन से ज्यादा नरम होगी। जन्नत के फल का गोशा इतना बड़ा है कि साबा इकराम की जमात मिलकर खाए तो कयामत तक खत्म ना हो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से नमाज़े कुसूफ की हदीस में रिवायत है कि साबा इकराम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको दौरान नमाज देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह पर कोई चीज ली है। आप ने देखा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज लेने से रुक गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत देखी और इसके एक गोशे को लेना चाहा। अगर मैं इसको तोड़ लेता तो जब तक दुनिया रहती तुम लोग इसे खाते रहते। जन्नत के फलों का एक गोशा अगर दुनिया में आ जाए तो आसमान वाले और जमीन वाले मिलकर भी इनको पूरी जिंदगी में खत्म ना कर सकते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने जन्नत और इसमें मौजूद सारी नेमतें लाई गई, फल फूल और सर सब शादाबी। मैंने इससे तुम्हारे लिए अंगूर का एक गोशा लेना चाहा, लेकिन रोक दिया गया। अगर मैं वो गोशा तुम्हारे लिए ले आता तो, लेकिन जमीन और आसमान की सारी मखलूक उसे खत्म करने के लिए खाती, लेकिन उसको खत्म ना कर पाती। खजूर और अदाय जद्दत का फल है और इंजीर भी जद्दत का फल है। जद्दत के फल में गुठली ना होगी।
वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा।